नीलू किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेड वेलवेट चीज बॉल, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो आइए हम देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें लगेगा 1 कप बॉइल्ड पोटैटो, जो कि मैश किया हुआ है। उसके बाद हमें धनिया पत्ती लगेगी, मीन्स कोरिएंडर लीव्स, जो कि हमने 3/4 कप लिया है। पुदीना मिंट लीव्स हमने 3/4 कप लिया है। और हमारा ग्रेटेड बीटरूट है, जो कि 3/4 कप है। 3/4 कप हमने ब्रेड क्रम्स लिया है। और स्टफिंग के लिए हमने चीज़ क्यूब्स लिए हैं। गार्निशिंग के लिए हमने लिए हैं मिंट लीव्स। 1 टेबलस्पून हमने लिए हैं पुदीने की चटनी। और स्पाइसनेस के लिए हमने चिली फ्लेक्स लिए हैं, जो कि हमें हमारे बच्चों के टेस्ट अनुसार लेना है। अगर हमने ज़्यादा ले लिया तो बच्चों को पसंद नहीं आएगा, तो थोड़ा हमें इसे ध्यान से डालना है। और अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमें सॉल्ट लेना है। गार्निशिंग के लिए हमने थोड़ा मायोनेस भी लिया है। तो आइए अब हम देखते हैं हमें इसे बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हमें बॉइल्ड पोटैटो लेना है, फिर हमें कोरिएंडर लीव्स डालनी है, फिर हमें मिंट लीव्स डालनी है, अब हमने ग्रेटेड बीटरूट लेना है, ब्रेड क्रम्स, चिली फ्लेक्स मैंने 1 टीस्पून लिए हैं। आपको अगर ज़्यादा पसंद हो आप ज़्यादा ले सकते हैं, और अगर आपके बच्चों को ज़्यादा स्पाइसनेस पसंद ना हो तो आप कम भी ले सकते हैं। हमने थोड़ी सी ग्रीन चटनी भी ली है, जो कि मिंट लीव्स से बनी है। और टेस्ट अनुसार हमें सॉल्ट लेना है। अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। हमें इसे अच्छे से मैश करना है, और इसे हमें कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसे ऐसे ही रख देना है, क्योंकि जब तक हमारा बीटरूट का जूस अच्छे से लीव नहीं होगा, तब तक इसका रेड कलर जो है वो रेड नहीं होगा। हमें इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं डालना है। ये रेड जो होगा वो बस नेचुरल कलर हमारे बीटरूट से होगा। तो गाइस, इसे आप मैश करने के बाद इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। तो गाइस देखिए, अब ये पूरी तरीके से रेड हो चुका है। तो गाइस अब हमें इसके बॉल्स बनाने हैं, और इसके अंदर हमें यह जो हमारी चीज़ है इसे स्टफ करना है। तो आइए अब हम इसके बॉल्स बनाते हैं। गाइज हमें ऐसे ही करके सारे बॉल्स बनाने हैं, और हमें आखिरी में इसे सोजी से इसको कोट करना है। तो गाइज हम पहले सारे बॉल्स बना लेते हैं, उसके बाद हम फिर कोटिंग करेंगे। तो गाइज हमने सारे बॉल्स बना लिए हैं, बट आप इसे ध्यान से देखिए कि हमें इसे सोजी पर कैसे कोट करना है। इस पर पूरी तरीके से हमें सोजी को अच्छी तरीके से कोट करना है, ताकि ये और ज़्यादा क्रिस्पी बने। तो गाइस हमारे ये जो बॉल्स है, चीज़ बॉल्स, ये रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। बस ध्यान रहे कि हमें इन्हें फुल फ्लेम हाई हीट ऑयल पे फ्राई करना है। तो गाइस चलिए अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो गाइस अब हमने इसे हाई हीट हुए तेल में फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है। अब ये गोल्डन ब्राउन जब तक नहीं होते, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो गाइस ये हमारे रेड वेलवेट चीज बॉल्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे गार्निश कैसे करेंगे वो देखेंगे। अब हमें उस गार्निशिंग के लिए क्या चीज की जरूरत है, ये आप देख लीजिए। हमें चाहिए मेयोनीज, चाहिए थोड़ी सी मिंट लीव्स, चाहिए थोड़ी सी ग्रीन मिंट चटनी चाहिए, और अगर हमारे बच्चों को ज़्यादा पसंद है तो ऊपर से हम चीज़ भी लगा सकते हैं,
वो आपके इच्छा अनुसार है। तो चलिए अब हम इससे डेकोरेट करते हैं। तो गाइस आप इस तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो गाइस अब हमारे रेड वेलवेट चीज बॉक्स रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसे एक तोड़ के भी आपको दिखाते हैं कि इसमें ये चीज किस तरीके से हमें दिखाई देती है। तो गाइस देखिए इसमें किस तरीके से चीज मेल्ट हो चुकी है। तो ये बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो गाइस मेरे इस रेसिपी को आप ज़रूर पसंद करिए, और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। मेरे ख्याल से आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। थैंक यू वॉचिंग टू माई वीडियो।